प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीएड द्वितीय वर्ष की पाठ्य पुस्तक लेंगे हम शिक्षा में मुद्दे से संबंधित सेकेंड अध्याय के यूनिट सेकेंड से संस्कृति एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रकार, जिसके बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हमारी संस्कृति क्या है और सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रकार क्या है, उन दोनों के ऊपर विस्तार से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि वास्तव में संस्कृति और सांस्कृति दोनों में आपस में क्या सामंजस्य है तथा क्या क्या भेद है, और संस्कृति और सांस्कृतिक व्यवस्था हमारे देश में क्यों जरूरी है, किसी भी समाज के विकास के लिए वहाँ की संस्कृति का क्या प्रभाव होता है, और सांस्कृतिक ऐसे कौन कौन से विशेष गुण अथवा लक्षण होते हैं जिसके माध्यम से अपन कह सकते हैं कि इस स्थान विशेष की सांस्कृतिक व्यवस्था बेहतर है। तो आइए आज हम संस्कृति एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रकार के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात संस्कृति के प्रकार। संस्कृति जो हमारा कल्चर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कल्चर कैसा है, जैसा व्यक्ति का रहन सहन होता है, जिस स्थान पर व्यक्ति रहता है, उठता बैठता है, खाना पीना और रहन सहन, ये सब संस्कृति के ही भाग है और संस्कृति से ही व्यक्ति विशेष सीखता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। संस्कृति जन्म से भी हम सीखते हैं और जैसे जैसे हम समाज में कार्य करते हैं उसके माध्यम से हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है जो पूर्ण रूप से भौतिक संस्कृति का भी अंग होती है और अभौतिक संस्कृति का भी अंग है। प्राय विद्यार्थियों ये दो चीज़ें आपको श्याम पट पर दिखाई दे रही है संस्कृति के प्रकार में, कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। हम इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे और दोनों प्रकारों के बारे में भी अपन जानकारी रखते हैं। तो हम जहाँ तक भौतिक संस्कृति की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक संस्कृति संस्कृति के दो प्रकार जो मैंने आपको बताए उसमें भौतिक संस्कृति के अंतर्गत कृषि, उद्योग धंधे, सामाजिक तथ्य जैसे संगठन, भाषा, धर्म, कला इत्यादि चीज़ें भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। जैसे भौतिक संसाधन में काम आने वाली वस्तुएं, उसके साथ साथ जिनका अपन दिन प्रतिदिन वस्तु का उपयोग करते हैं, उद्योग धंधों से प्राप्त हुई वस्तुएं, सामाजिक संस्थाओं से अथवा संगठन से जिन वस्तुओं का अपन आदान प्रदान करते हैं, उसके साथ साथ भाषा जिसका अपन बोलचाल की भाषा में आदान प्रदान होता है, धर्म कला से संबंधित वस्तुएं तथा मानसिक और परिणित किए जा सकते हैं, इन सभी का अपन मानसिक रूप से उनके बारे में जानने की इच्छा भी रखते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। साथ ही भौतिक या पार्थिक वस्तुएं जैसे मनुष्य के विविध उपकरण, अगर हम भौतिक चीज़ों का उपयोग करने की बात करते हैं तो मनुष्य जीवन में कई प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता है, जीवन यापन करने के लिए कई वस्तुओं का उपयोग करता है, जिन वस्तुओं का उपयोग करता है वो दैनिक जीवन की उनकी वस्तुएं होती है, उसे भौतिक संस्कृति का ही एक भाग माना जाता है। जैसे मनुष्य के लिए उपकरण, औजार, हथियार, बर्तन, आवागमन के साधन आदि सभी वस्तुएं संस्कृति के भौतिक संसाधनों के उपयोग के लिए काम आती है। ये सब चीज़ें भौतिक संस्कृति का ही एक भाग है तथा छोटे रूप में अपन कह सकते हैं कि जीवन यापन करने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग प्राय मनुष्य जीवित रहने के लिए करता है वो भौतिक संसाधन की विषय वस्तुएं होती है। आज की दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है तथा जीवन यापन करने के लिए इसका उपयोग भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जीवन में उपयोग आने वाले भौतिक संसाधन जिनसे जीवन चलता है वही वस्तुएं हमारी दैनिक दिनचर्या की वस्तुएं होती है। दूसरी बात जिसके बारे में हम बात करें अभौतिक संस्कृति, यानी भौतिक संस्कृति के अंग आपको बता दिए, उसके साथ साथ अभौतिक संस्कृति के ऐसे कौन कौन से
प्रकार है जो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, जो भौतिक संस्कृति से पूर्णतः अलग है। देखिए विद्यार्थी, श्याम पट की ओर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको अभौतिक संस्कृति के भी कुछ अंग दिखाई दे रहे हैं। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत अमूर्त वस्तुएं सम्मिलित होती है, जो प्राय मूर्त नहीं होती है, अमूर्त वस्तुएं जिनको समझा जाता है, महसूस किया जा सकता है, वो वस्तुएं जिसमें समाज में विभिन्न रीति रिवाज, जैसे समाज के अंदर कई प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, वो भी अमूर्त विषय वस्तु में आते हैं। साथ ही साथ रूढ़ियाँ, विद्या, कलाएँ, ज्ञान और धर्म, पुरानी परंपराएं जो चलती है, और विभिन्न प्रकार की जो विधि है वो, तथा कला, जिस कला को हम सीखते हैं और दूसरों के सामने प्रदर्शन करते हैं, और ज्ञान और धर्म की जो बातें हमारे द्वारा बताई जाती है या जिस ज्ञान धर्म को अपन अपनाते हैं, वो भी अभौतिक संसाधन के अंतर्गत अभौतिक संस्कृति का एक अंग है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, और भौतिक और अभौतिक संस्कृति में क्या अंतर है। भौतिक चीज़ें कौन सी है जो अपन दैनिक दिनचर्या में उपयोग करते हैं, जिनका संस्कृति के साथ जुड़ाव रहता है। अभौतिक वे है, पुरानी परंपराएं है, रीति रिवाज, धर्म है, कला से संबंधित वस्तुएं है, ये सब अभौतिक संस्कृति का अंग। अब इसके आगे संस्कृति की विशेषताओं के आधार पर क्लॉर्क विजलर ने मानव जाति के प्रत्येक समूह के संस्कृति के कई सार्वभौमिक तत्व माने हैं। देखिए, प्रसिद्ध विचारक थे क्लॉर्क विजलर। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, कई बार परीक्षा के अंदर इस प्रकार के विचारकों के नाम भी आते हैं। यहाँ पर अपन जिस विचारक के कही गई बातें जो संस्कृति के आधार पर उन्होंने बताई है विशेषता के तौर पर, वो कहने वाले हैं क्लॉर्क विजलर। देखिए, क्लॉर्क विजलर ने कुछ संस्कृति के तत्व बताए हैं। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर हम संस्कृति के प्रकार, संस्कृति की व्यवस्था के प्रकार और सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रकार की बात करें, लेकिन क्लॉर्क विजलर ने कुछ संस्कृति के प्रकार भी बताए हैं। उनके अनुसार संस्कृति में बोली, बोली एक मुख्य संस्कृति का पार्ट है। किसी स्थान विशेष का व्यक्ति कुछ दूरी पर दूसरे स्थान पर गमन करता है तो प्राय ये देखा जाता है कि उसकी बोली में परिवर्तन हो जाता है, और व्यक्ति जिस भाव से बोलता है वो भाव उसका परिवर्तित हो जाता है, कुछ शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। शब्दों में परिवर्तन के साथ साथ स्थान विशेष वहाँ से गमन करता है, वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बोली के साथ में दूसरे स्थान पर पहुँचती है, अर्थात व्यक्ति उस स्थान की संस्कृति को दूसरी जगह प्रयुक्त करता है, बोलता है तो भी उसको वहाँ स्थान विशेष की झलक उसमें दिखाई देती। दूसरी बात है पार्थिक उपकरण जिसका अपन दैनिक दिनचर्या में उपयोग करते हैं, जो क्लॉक विजलर बताते हैं, उसमें है भोजन है, मकान है, आवागमन के साधन है, अपनी वेशभूषा है, हथियार है, बर्तन है, शस्त्र है, उद्योग तथा धंधे, ये सब पार्थिक उपकरण हमारे जीवन में तब काम में आते हैं जब इनका अपन भौतिक तौर पर उपयोग करते हैं। उसके अलावा क्लॉक विजल ने और कुछ भी चीज़ें बताई है तत्व के रूप में, वो है कलाएं, पौराणिक और वैज्ञानिक ज्ञान, यानी पुरानी कलाएं, पौराणिक चीज़ें तथा वैज्ञानिक ज्ञान को भी इन्होंने महत्वपूर्ण बताया। उसके अलावा धार्मिक रीतियां और अंधविश्वास को भी इन्होंने महत्व दिया कि धर्म के अनुसार कई प्रकार की परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं, और लोग आज भी पुरानी परंपराओं को अंधविश्वास के तौर पर मानते हैं, तो ये भी पूर्णतः अपन देखते हैं। अगली बात है कुटुंब और विवाह, सामाजिक नियंत्रण, खेलकूद जैसी सामाजिक संस्थाएं। देखिए, जिस स्थान पर व्यक्ति रहता है, रहने के स्थान को कुटुंब अथवा घर कहा जाता है, जैसे विवाह है, सामाजिक कार्य है, खेलकूद है, सामाजिक संस्थाएं है, ये सब चीज़ें प्राय एक स्थान विशेष को लेकर के कही जाती है, और इसके साथ साथ इसमें प्राय ये देखा जाता है कि इनको नियंत्रण कैसे किया जाए, संस्था के अनुरूप इसको कैसे चलाया जाए, ये भी मानव जाति के लिए एक तत्व का कार्य करते हैं। अगला है संपत्ति, मूल्य विनिमय और व्यापार, ये भी व्यक्ति की भौतिक संस्कृति का एक अंग है। व्यक्ति जीवन भर कमाता है वो अपनी संपत्ति है।
मूल्य विनिमय आदान प्रदान जिन वस्तुओं को करता है वो है, और व्यापार एक दूसरे में जो व्यापार किया जाता है वो भी इसका एक। सातवां है सरकार और विधि तथा सरकार का भी योगदान रहता है, और उसके साथ साथ युद्ध यानी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए व्यक्ति को कई बार युद्धों से भी जूझना पड़ता है। तो संस्कृति में ऐसी कई चीज़ें आती है जिसमें प्राय व्यक्ति विशेष को ध्यान रखना होता है। तो हम बात करते हैं संस्कृति की और संस्कृति के रीति रिवाजों की, और संस्कृति के रीति रिवाज के अंतर्गत काम आने वाले विषय वस्तुओं की। अब देखें सांस्कृतिक व्यवस्था के भी तीन प्रकार बताए गए हैं। विद्यार्थियों एक बार श्यामपट की तरह ध्यान दीजिए। संस्कृति के बारे में तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति को आपने स्पष्ट तौर पर समझा है, लेकिन सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुसार तीन प्रकार के प्रमुख तीन प्रकार बताए हुए। पहला है चेतनात्मक संस्कृति, दूसरा है भावात्मक संस्कृति, तीसरा है आदर्शतात्मक संस्कृति। ये प्राय सांस्कृतिक व्यवस्था के त्रिस्तरीय बंध है, और इसी के आधार पर किसी भी संस्कृति को व्यवस्थित रूप से चलाने एवं संस्कृति के अनुसार कार्य करने का हमें व्यवस्थित रूप दिखाई देता। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक व्यवस्था के दूसरे पार्ट की, जिसमें संस्कृति के प्रकार की जगह सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रकार को अपन पढ़ने जा रहे हैं। सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रकार में सबसे पहला है चेतनात्मक संस्कृति। देखिए चेतनात्मक संस्कृति वह होती है जो व्यक्ति विशेष के अंतर्गत वे वस्तु आती है जो चेतना या इंद्रियों के बोध द्वारा उसका ज्ञान होता है। व्यक्ति के अंदर जो चेतना होती है, इंद्रिया होती है, उनके माध्यम से जो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात उसे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो माध्यम है वो चेतनात्मक संस्कृति माध्यम कहलाता है। चेतना संस्कृति वे हमारी इंद्रिय जनित आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति करती है। जो हमारी इंद्रिया है उनको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जिन चीज़ों की इच्छा होती है, उसकी पूर्ति करने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। इस प्रकार की संस्कृति में मनुष्य भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहता है। ये इसमें विज्ञान की प्रगति होती है, धर्म का महत्व घटता है। देखिए चेतना से संबंधित जो अपन बात करते हैं संस्कृति की, उसमें प्यारे विद्यार्थी होता ये कि इंद्रियों के सुख करता है, इंद्रियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसकी व्यक्ति हमेशा जिज्ञासा रखता है, उस ज्ञान को प्राप्त करने की उसमें निरंतर इच्छा रहती है। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये रहती है कि मनुष्य भौतिक सुख की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। ये भी अपन बात करें कि भौतिक संसाधन और सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति हमेशा प्रयासरत रहता है, उसे ये प्रयास रहता है कि मुझे ये भौतिक सुख प्राप्त करने हैं, और इन भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करने होंगे, और साथ ही साथ इन प्रयासों को निरंतर करने और अपनी जिज्ञासाओं के अनुसार इसको भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, विज्ञान की भाषा में इसे विज्ञान की प्रगति कहते हैं, लेकिन इससे धर्म का महत्व घटता है। देखिए सांस्कृतिक व्यवस्था में एक चेतना संबंधी बहुत बात बताई गई है महत्वपूर्ण, कि इसमें धर्म का महत्व घट जाता है। बाकी सब चीज़ें व्यवस्थित रहती है लेकिन धर्म का महत्व यहाँ पर घट जाता है। ये भी बात एक सोचने की। दूसरा है विद्यार्थियों नंबर दो जो आपको दिखाई दे रहा है भावात्मक संस्कृति। देखिए भावात्मक संस्कृति यह चेतनात्मक संस्कृति की थोड़ी विपरीत है। इसका संबंध इंद्रियों से नहीं अपितु विचार भावना और आत्मा और ईश्वर से। देखिए यहाँ आपको ध्यान ही देना है व्यक्ति के अंदर भावात्मक परिवर्तन होते हैं, तो भावात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति अपने विचारों में परिवर्तन होता है, और विचारों के परिवर्तन के साथ साथ भावात्मक संस्कृति में चाहे अपने विचार भावना आत्मा ईश्वर से इसका संबंध रहता है, और ये ध्यान भौतिक मूर्त तथा स्थूल चीज़ों से हटकर सात सौ छत्ते ईश्वर की ओर उन्मत्त रहता है। यानी छोटी बड़ी जो पुरानी परंपराएं चल रही है उससे उसका ध्यान हट जाता है, और वह प्राय
ईश्वर भक्ति और ईश्वर स्तुति में उसका थोड़ा मन बढ़ जाता है, तो वो भावात्मक स्थिति की संस्कृति मानी जाती है और संपूर्ण समाज में एक धार्मिक नैतिकता से बंधा होता है और धर्म और नैतिकता दर्शन की प्रगति होती है। देखिए, भावात्मक संस्कृति से हमेशा धर्म दर्शन और नैतिकता की निरंतर प्रगति होती है। प्रगति होने का कारण ये होता है कि जिससे भावात्मक संस्कृति का संबंध स्थापित होता है, जिसमें भावनाएं और आत्मा ईश्वर से उसका संपर्क होता है तथा वो किसी प्रकार समाज एवं धार्मिक नैतिक से बंधा होता है, फिर भी नैतिक दर्शन उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरी बात है आदर्शात्मक संस्कृति। देखिए, पढ़ने में और देखने में एक जैसे, चेतनात्मक, भावात्मक, आदर्शात्मक। आदर्शात्मक शब्द से स्पष्ट है आदर्श संस्कृति का प्रमुख गुण है। आदर्श संस्कृति में चेतना और भावात्मक संस्कृति दोनों के बीच की कड़ी है। ये जो आप देख रहे हो, चेतनात्मक संस्कृति और भावात्मक संस्कृति के बीच की जो कड़ी का जो कार्य करती है वो है आदर्शतात्मक संस्कृति। आदर्शात्मक संस्कृति के तत्व पाए जाते हैं। संस्था किसी संगठन निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। विवाह भारतीय समाज की एक संस्कार होने के साथ साथ संस्कार भी है। देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, जैसे विवाह भारतीय संस्कृति के अनुसार एक आदर्शात्मक संस्कृति स्थापित करने का माध्यम है, लेकिन यह एक प्रकार से समाज के लिए संस्कार भी है और साथ ही साथ इसमें धार्मिक संस्थाएं कुछ उद्देश्य प्राप्ति के लिए ऐसे कार्य करती है। मनुष्य परिवार में कार्यस्थल पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है, लेकिन संस्थागत कार्य अधिक प्रभावी संसाधनों की दृष्टि से अधिक सक्षम होते हैं। इन आदर्शात्मक संस्कृति में संस्था को विशेष महत्व दिया गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का विशेष महत्व है। इन संस्थाओं के माध्यम से जिस प्रकार समय समय पर आदर्शात्मक भावना स्थापित करने के लिए व्यावसायिक और शैक्षणिक आर्थिक क्षेत्रों में संगठित किया जाता है और इस संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। मनुष्य परिवार से जुड़ाव रखते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये संस्कृति के महत्व को समझने की कोशिश करता है और उसका उद्देश्य ये रहता है प्राय कि संस्कृति से उसका जुड़ाव रखे। आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, चेतनात्मक संस्कृति मन और चेतन की संस्कृति से तात्पर्य है। उसके साथ साथ इसमें भावात्मक संस्कृति का संबंध भावनाओं से और मन ईश्वर के सतात्मक प्रमाण से। आदर्शात्मक संस्कृति ऐसी है जिसका संबंध व्यक्ति के आदर्श गुणों के साथ साथ एक बीच की कड़ी है, यानी चेतनात्मक और भावात्मक संस्कृति के बीच का जो भाग है वो है आदर्शात्मक संस्कृति। आदर्शात्मक संस्कृति को यहाँ एक संस्था के रूप में देखा गया है और घर परिवार को भी एक संस्था के तौर पर देखा जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात से समझ गए होंगे कि संस्कृति और सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रकारों में आपको कौन कौन सी चीज़ें अलग लगती है। जैसे भौतिक संस्कृति में भौतिक संसाधनों का महत्व है, अभौतिक संस्कृति में अभौतिक संसाधनों का महत्व है, वैसे ही सांस्कृतिक व्यवस्था के अंदर चेतना, भावात्मक, आदर्शात्मक तीन प्रकार की संस्कृति की व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताया गया। इसीलिए हम भारतीय संस्कृति के अनुसार भौतिक और अभौतिक दोनों संस्कृतियों का प्राय महत्व है और किसी भी समाज और व्यवस्था को चलाने के लिए संस्कृति बहुत ही जरूरी है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, रीति रिवाज, रहन सहन और साथ ही साथ इससे संबंधित जो चीज़ें प्राय आती है वो सब संस्कृति के महत्व से रिलेटेड है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संस्कृति से जुड़ाव रख करके प्रत्येक कार्य करना होता है और इससे संबंधित विद्यार्थियों कई बार क्वेश्चन भी परीक्षा में आते हैं कि संस्कृति तथा सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रकारों पर प्रकाश डालिए अर्थात इनको समझाइए। इस समय इसके अर्थ, विशेषता, तत्व और साथ ही साथ संस्कृति के प्रकाश के बारे में भी बताया जाता है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, विशेष रूप से ध्यान देना। इस प्रकार आपका ये संस्कृति और सांस्कृतिक व्यवस्था संबंधी, संस्कृति के भौतिक और अभौतिक, संस्कृति के दो प्रकार और सांस्कृतिक व्यवस्था में
प्राय चेतनात्मक भावात्मक संस्कृति के आदर्श संस्कृति की व्यवस्था के प्रकार आपने आज पढ़े, इनको थोड़ा एक बार पढ़ करके अमल में लाए, इसी के साथ आपका टॉपिक पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।